नमस्कार दोस्तों, वरिण्या मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। सीजन में अब तक 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सीजन का 21वां मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच है जिसमें एक टीम अपनी लय खो चुकी है और लगातार 4 मैच में हार के बाद इस मैच में खेलने उतरेगी। वहीं एक टीम ने आखिरी मैच में मुंबई जैसी टीम को हराकर अपनी खोई लय वापस पा ली है। हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की। 3 मैच में हार के क्रम को तोड़ने के बाद पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब खेलने उतरेगी तो टीम जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उसे लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। टीम हालांकि मुंबई को 9 विकेटों से हराकर हार के क्रम को तोड़ने में सफल रही है। टीम अब केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी जो पिछले 4 मैच गंवा चुकी है। पंजाब की शानदार बल्लेबाजी चल रही है और सभी बल्लेबाज फॉर्म में नजर आते हैं, खासकर कप्तान राहुल का तो शानदार फॉर्म चल रहा है। इसके अलावा मयंक अग्रवाल भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि यूनिवर्स बॉस ने मुंबई के खिलाफ शानदार 43 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। पंजाब को हालांकि अगर लगातार जीत दर्ज करनी है तो मध्यक्रम को भी योगदान देना होगा। दीपक हुड्डा के साथ साथ निकोलस पूरन को भी रन बनाने होंगे। शुरुआती मैचों में काफी महंगे साबित हुए पंजाब के गेंदबाजों ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी के अलावा युवा अर्शदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ केकेआर की टीम के प्रदर्शन में सुधार करने में नाकाम रही है। टीम को पिछले मैच में रॉयल्स के खिलाफ 6 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। सीजन की शुरुआत जीत के साथ करने के बाद केकेआर लगातार 4 मैच हार चुकी है। टीम का शीर्ष क्रम उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है। नीतीश राणा ने हालांकि 2 अर्धशतक जड़े हैं, इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन इसके अलावा सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है। आंद्रे रसल ने चेन्नई के खिलाफ कुछ फॉर्म दिखाया था, लेकिन फिर वो सफल से ज्यादा आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 27 बार आईपीएल में मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 18 बार कोलकाता ने मैच जीता है, वहीं पंजाब ने 9 मैच जीता है। मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस सीजन का ये पहला मैच होगा जो अहमदाबाद में होगा। पिच कैसे खेलेगी ये दोनों टीमों के लिए रहस्य होगा, जहां कोलकाता उम्मीद कर रही होगी कि वो अलग जगह पर उनकी किस्मत कुछ बदले और वो लगातार 5वीं हार से खुद को बचाना चाहेगी। वहीं पंजाब की टीम जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।